अभी जो मैंने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था आपको, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, इनके डिस्कवरर्स क्या थे, मैंने इसके चार्जेस बता दिया था, रिलेटिव चार्ज बता दिया था, इवन बेटा मैंने उसका मास बता दिया था और रिलेटिव मास भी बता दिया था, ठीक है, वो अच्छे से याद कर रहा है। और हमने एक टर्म लिखे थे बेटा स्पेसिफिक चार्ज, राइट, स्पेसिफिक चार्ज मतलब रेशियो ऑफ चार्ज टू मास को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, हमने वो भी लिख दिया था। अब एक काम करेंगे बेटा, हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या हमारी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें हमको दिया गया है डिस्कवरीज ऑफ द पार्टिकल करके, तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं दैट इज द डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, और ये पार्टिकल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा डिस्कवरीज ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात कि ये जो नाम इलेक्ट्रॉन किसने प्रपोज किया, हम बोलते हैं ना इसका नाम ये है, मेरा नाम ये है, तो प्रपोज करने वाले कौन है, उनका नाम बताएं। तो ये जो नाम है इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, दिस नेम वॉज प्रपोज बाय द स्टोनी। तो आप लिखना बेटा इलेक्ट्रॉन, ये जो नाम है ना, दिस नेम वॉज प्रपोज बाय स्टोनी। स्टोनी करके एक पर्सन थे, उन्होंने ये नाम आपको प्रपोज किया है। ये बनता कैसा है, तो ये बनने के लिए एक प्रोसेस होता है बेटा डिस्चार्ज ट्यूब वाला, मतलब एक आपका ग्लास ट्यूब होगा, सील्ड गैस ट्यूब है, वो ग्लास का बना होता है, इसके अंदर में छोटे छोटे दो मेटल के प्लेट्स होते हैं। आई शो यू बेटा, मैं दिखा दूंगा। ये देखिए ये ग्लास का ट्यूब है और ये यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा बंद है, ग्लास का ट्यूब है बंद है, बट यहाँ पर एक एक प्लेट होती है उसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, यहाँ भी एक प्लेट है बेटा इसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, राइट। सो ये जो छोटी छोटी प्लेट लगा है ना, ये दो मेटल के प्लेट है और ये मेटल के प्लेट को आप क्या बोलना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। बेटा इलेक्ट्रोड मतलब वो रॉड जिसमें से करंट पास होती है, और ये जो है ना, इसके अंदर गैस भरने के लिए ये छोटा सा इनलेट है और यहाँ पे उसका एक नॉब है, खोल दो तो गैस निकल जाएंगी, बंद कर दो तो गैस पैक रहेगी, ठीक है, ये है। अब ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त में, जब आप एक्सपेरिमेंट करा रहे थे इसके वक्त में, एक पर्सन है जिनका नाम था क्रुक करके था, CR, ये आदमी इनका नाम क्रुक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इन लोग डिस्कवरीज ऑफ केस में, ये अपने क्रुक साहब ने क्या देखा कि ये जो रेस है ना, दे वेर फाउंड टू पास फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लेट टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मतलब ऐसा समझो, ये जो प्लेट दिख रही है ना भाई, ये वाली प्लेट, ये वाली आपकी, ये प्लेट एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लो, क्या ले लो बेटा, ये वाली प्लेट आपकी एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और ये वाली जो प्लेट दिख रही है बेटा, ये आपकी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, दो दो प्लेट है, अच्छी बात है। इसके अंदर में गैस भरी हुई है बेटा, इसके अंदर में गैस है, और ये गैस इसके अंदर में कैसी होती है, इट इज एट लो प्रेशर, राइट। और जब आप करंट पास कर रहे हो ना, तो करंट पास जो करते हो, लो प्रेशर मतलब आसपास, हमारी बुक में 0.1 mm ऑफ Hg बोलते हैं, मतलब ये प्रेशर का यूनिट है बेटा, Hg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर है, 0.01 mm ऑफ Hg। और ये जो करंट पास कर रहे हो आप, ये करंट यहां से पास करते हो ना भाई, यहां से जो करंट पास करते हो, आप हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास कर रहे हो। जब ये हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करोगे तो यहां पर क्या होगा, जो गैस होता है ना, ऐसे ऐसे, ये गैस है भाई, ये क्या है, गैस है। जब हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करोगे बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जाता है ना, तो हाई वोल्टेज ऑफ करंट से पहले बॉन्ड टूटेगा, तो दो अलग अलग एटम बन गए, और करंट पास कर रहे हो तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर, हो गया, मॉलिक्यूल्स के एटम बने और एटम्स के आयन बने बने बेटा। तो यहाँ क्या देखा गया है, कुछ नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, तो उन्होंने बोला बेटा कुछ रेज है ना, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव हो रही है। इन्होंने देखा, क्रुक ने देखा कि ये कुछ रेज है बेटा,
ये ऐसी मूव हो रही है, कहां से? नेगेटिव प्लेट से कहां मूव हो रही है बेटा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रही है। अगर ये रेज आपकी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे? दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। क्या बोलेंगे बेटा? दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। और ये किनो किसने देखा? क्रुक्स आपने देखा है, राइट? क्रुक्स आपने देखा। और ये प्रोसेस कब होती है मालूम? गैस का प्रेशर वेरी लो हो और वोल्टेज वेरी हाई हो, 10,000 वोल्टेज की करंट ये लो प्रेशर ऑफ गैस से पास करा लिए तो आपको ऐसे मूवमेंट ऑफ द रेज दिखती है बेटा। कहां से? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आप जानते हो नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड एज ए कैथोड, और बेटा ये पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? एनोड। तो भाई जो रेज आपकी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, क्या सर इस रेज को मैं कैथोड रेज बोल दूं? अच्छी बात है सर, क्योंकि ये रेज कैथोड प्लेट से आ रही है ना, तो आप इसको कैथोड रेज ही बोलोगे। कोई डाउट बेटा? कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज क्या है मालूम? इट इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप ही सोचो नेगेटिवली चार्ज वाले पार्टिकल पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ ही जाएंगे ना, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के तरफ ही अट्रैक्ट होके जाएंगे। तो ये जो कैथोड रे स्ट्रीम है ना, दीज आर द स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये छोटा सा मैंने डायग्राम बना के दे दिया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उसमें से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो बेटा मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसी का, इसी में से। सुनो, ये ट्यूब के अंदर गैस है, ये दो प्लेट है बेटा, कैथोड और एनोड प्लेट। समझ में आ रहा? कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट, राइट? वेरी गुड। और ये दोनों अपने बैटरी से कनेक्टेड है, जहां से 10,000 वोल्ट की करंट आप पास कर सकते हो। और ये ट्यूब के अंदर में जो गैस है वो लो प्रेशर में है, इतनी प्रेशर है बेटा। गैस कैसे लिखते हो? एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस ऐसा लिखते हैं बेटा। वो हाइड्रोजन गैस दिखता कैसे है? ये ऐसा दिखता है, क्योंकि जुड़े है ना, दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनते हैं ना। अब इतनी वोल्ट की करंट पास करोगे तो ये बॉन्ड तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, अच्छी बात है। ये बॉन्ड तोड़ के दो दो अलग से एटम बना लिया। अब करंट तो आपका कंटिन्यू पास होते रहेगा, कंटिन्यू पास होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, एच का प्लस, इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर एच का प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर। तो देखो बेटा ये ट्यूब के अंदर में आपके H+ H+ और E- E- है ना। तो ये क्रूक साहब ने सबसे पहले क्या देखा कि ऐसे ऐसे कुछ रेज कैथोड प्लेट की तरफ से एनोड प्लेट की तरफ आ रही है। ये प्लेट कौन सी है भाई? ये आपकी एनोड प्लेट की तरफ आ रही है। तो क्रूक साहब ने क्या बोला, ये वाली रेज कैथोड प्लेट की तरफ से एनोड रे की तरफ आ रही है, तो ये रेज को हम बोल देंगे दीज आर द कैथोड रेज। और बाद में पता चला, कि वो कैथोड रेज क्या है, इट इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाद में आप ये भी पता लग चला कि ये जो कैथोड रेज था बेटा, दीज कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम है और नेगेटिवली चार्ज रेज है, इसीलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आपको कैसे मालूम सर ये उधर ही जा रही है? वो क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा है ना फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं। ये प्लेट जो दिख रही है ना भाई, ये प्लेट कहाँ गया कलर वाला पेन, एक मिनट में बता देता हूँ बेटा। ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट के पीछे में छोटा सा स्क्रीन लगाते हैं। ये स्क्रीन क्या है मालूम? फ्लोरोसेंट की स्क्रीन है बेटा, मतलब ZNS स्क्रीन बोलते हैं आप इसको। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ZNS स्क्रीन है। अब आपकी टीवी की स्क्रीन है ना मालूम, टीवी की स्क्रीन, अभी तो नहीं, पहले जमाने में डब्बे टीवी होते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे जमाने में होते थे, आपके जमाने में नहीं होते थे। वो डब्बे टीवी में क्या होता था, एक दो महीना तीन महीना काम कर गई तो बोलता था पिक्चर ट्यूब गया घर के। और पिक्चर ट्यूब कुछ नहीं जाता एक्चुअली, वो स्क्रीन जो होती है ना फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वो चले जाती थी। इसका काम क्या है,
कोई छोटा सा छोटा पार्टिकल आके इसको ऐसा टच कर दे तो वो ग्लो होता, चमकता है। और आजकल जो हम लोग देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी टीवी में कलर कलर स्क्रीन वाली, उसमें भी वही फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है, वो छोटे छोटे पार्टिकल आके स्क्रीन को टच करते हैं और वो कलर हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, मूवेबल ऑब्जेक्ट। तो देखो कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि इतने फास्ट वो टच ये करते हैं, वहां पे हिट करेगा, ग्लो होगा, हमको मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है, वो काम है इसका। तो यहाँ से ये पार्टिकल आके जब ये स्क्रीन को टच करेगा तो यहाँ पे वो स्क्रीन ग्लो होगा, तो आपको लगेगा ना भाई यहाँ पर भी ZNN स्क्रीन है, यहाँ पर भी ZNN स्क्रीन है, लेकिन ये वाली स्क्रीन ग्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल यहाँ से आके वहां हिट कर रहे हैं। समझ में आया? मैंने ZNN स्क्रीन ये प्लेट के पीछे लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, दिखाई नहीं पर है, और देखा जाए तो दोनों प्लेट में ये वाली ग्लो हो रही थी। क्यों? पार्टिकल ये प्लेट से आके वहां पे हिट कर रही है। और ऐसा इन्होंने देखा, इनका नाम क्या है, क्रुक साहब ने देखा कि पार्टिकल सॉरी पार्टिकल इस प्लेट से होके उस प्लेट को हिट कर रही है। तो इन्होंने बोल दिया भाई ये रेस इस प्लेट से आ रही है, इसका नाम कैथोड रेस दे दो। कुछ दिनों के बाद कुछ काम उन्होंने किए, मैं बताऊंगा क्या किए, फिर मालूम चला अरे भाई ये तो वो नहीं है, ये कैथोड रेस नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हम जानेंगे, टू नो ऑल दिस थिंग वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। क्योंकि ये कैथोड रेज जो आपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रेज बोला ना भाई, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है पहले वो जानेंगे हम, राइट? तो देखो बेटा कैसे होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, पहली प्रॉपर्टी बेटा ये कहां से कहां आ रही है, तो बोला कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पहला पॉइंट। कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। हाँ सर ये प्लेट यहां से यहां मूव हो रही है ना, तो कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, अच्छी बात है। बेटा क्या ये रेज आप आंखों से देख सकते हो? ना सर, दीज रेज आर इनविजिबल। दीज रेज आर इनविजिबल। तो देखने के लिए क्या करना पड़ा, ZNS की स्क्रीन लगा दो, जहां ग्लो हो गई बोलना कि यहां से यहां आ रही, अगर ये वाली स्क्रीन ग्लो हो गई तो बोलना आपके रेज यहां से आ रहे, दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड रेज। तो ये रेज कैसे होते हैं बेटा, इनविजिबल है बट इनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, इनका बिहेवियर पता कर सकते हैं बेटा कैसे, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, बोलो फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलो, या चमकनी वाली चीजें और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, या तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से या तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से आप बेटा इनका बिहेवियर पता कर सकते हो, राइट? विच विल ग्लो, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ये क्या होता, कोई पार्टिकल आके इसको हीट करेगा ना वो चमक जाएगा। तो क्या बोलना, दिस मटेरियल विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम, विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम, मतलब ये पार्टिकल जाके जब इस स्क्रीन को हीट करेगा तो वो ग्लो हो जाएगा। तो आपको मालूम पड़ेगा रेस यहां से यहां मूव कर रही है ना, इनका बिहेवियर तो पता कर लिया, राइट? बेटा ये रेस कैसे मूव करती है, तो बोला दीज रेस ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं जाता है, राइट? अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेस ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पॉइंट नंबर थ्री, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड
या मैग्नेटिक फील्ड ना हो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रेवल इन दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधा जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, सुनो ऐसा, ये मैंने एक प्लेट लगा दिया और ये एक प्लेट लगा दिया और ये रेज आपकी जा रही है बेटा। अगर ये रेज आपकी ऐसे मूव हो गई तो बोलना दीज रेज आर द नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज रेज आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव। बेटा ये रेज ऐसे जाके ऐसे नीचे झुक गई तो बोला ये रेज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर गई तो ये रेज पॉजिटिव। तीसरी पॉसिबिलिटी भाई, ये सीधा जा रहा है तो क्या बोलेंगे, अगर ये अप्लाई है तो किसी को अट्रैक्ट नहीं हुआ तो रेज आर द न्यूट्रल, डज नॉट हैव एनी चार्ज। लेकिन अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया, मैग्नेटिक भी अप्लाई नहीं किया, तो भाई वो कहीं भी नहीं जाएगा, सीधी जाएंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस रेज आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये रेज मालूम है क्या होगा, ऐसा जाएगा, किसकी तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, तो ऑब्वियसली दिस रेज आर कॉल्ड एज ए व्हाट, नेगेटिवली चार्ज रेज। इसीलिए तो क्रूक अंकल ने क्या बोला था, ये कैथोड रेज है, और बाद में क्रूक अंकल को ये भी पता लगा कि कैथोड रेज इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज ए व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। आई बैट समझ में, ले लो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग और आगे लिखेंगे। मुझे अभी मिटाना पड़ेगा डायग्राम, डायग्राम मिटाऊंगा तो मैं आगे की चीजें लिख सकता हूँ, अदरवाइज डायग्राम रखता हूँ, ये ले लो यहीं पे लिख देता हूँ बाकी के पॉइंट्स बेटा, फटाफट फटाफट। हो गया बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये नेगेटिवली चार्ज रेस कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट को आपने क्या बोला बेटा, एनोड, है ना। तो पॉइंट नंबर फोर, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज रेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, these rays are attracted towards anode plate, क्योंकि वो rays क्या थी, negatively charged particle rays थी, they are deflected or attracted towards which plate बेटा, anode plate। कब, electric field के presence में, क्योंकि anode plate आपका positive है और rays आपका negative है, तो negative positive तरफ attract हो गई। सर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कहाँ जाएगा, 10th क्लास में पढ़े होगे आपने मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये नेगेटिव वाले पार्टिकल साउथ पोल की तरफ मूव करेंगे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज, हम इनकी बात कर रहे हैं, दीज रेज मूव्स टुवर्ड्स साउथ पोल। तो बेटा जो रेज साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिवली है, जो रेज एनोड की तरफ मूव हो रही है नेगेटिव है। तो ये बता दिया कि ये स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली पार्टिकल जो थे, दैट इज अ कैथोड रेज, नथिंग बट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब नेचर की बात करो बेटा, नेचर मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जो नेगेटिवली जो कैथोड रेज आपने बोला है, क्या बेटा वो गैस पे डिपेंड कर रही है जो आपने ट्यूब में लिया है बेटा? नेचर ऑफ दीज जो कैथोड आपने बोले है ना, इज नेचर ऑफ दीज, क्या बेटा वो उस गैस पे डिपेंड करती है जो ट्यूब में लिया है? तो मैं बोलूंगा नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब। दैट मींस द नेचर ऑफ दिस कैथोड रेज इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब। ये पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। पॉइंट नंबर फोर हो गया, एंड पॉइंट नंबर फाइव, व्हाट इज द पॉइंट नंबर फाइव बेटा, द नेचर ऑफ कैथोड रेज
इज इंडिपेंडेंट बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब, नेचर ऑफ द गैस टेकन टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल टेकन इन इलेक्ट्रोड, वो दोनों पे भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बेटा इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे उसके लिए मुझे डायग्राम मिटाना पड़ेगा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो सर यहाँ से, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार है, क्योंकि यहीं से आपके नीट लेवल के और आईआईटी मेंस लेवल के क्वेश्चन बनते जाएंगे। हो गया? अब देखो मैंने पॉइंट नंबर 5 को कैसे एक्सप्लेन कराना है। ये जो पॉइंट नंबर 5 आपने लिखा है ना, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कराता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि ये पॉइंट है ना, बच्चों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ये मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि बच्चों को ये पॉइंट मैं हर तरह से समझा के दे दूं। ये एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। पढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि सब लिखा के दिए, ना ना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सुनो अभी भाई, ये डिस्चार्ज का ट्यूब था, अच्छी बात है, ये आपकी कैथोड की प्लेट थी, राइट, ये एनोड की प्लेट है, राइट भाई, ये एनोड है और वो तो क्या था आपका, कैथोड की प्लेट थी, सही है बेटा। आपने क्या लिया सुनो अभी अच्छे से, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 हाइड्रोजन की गैस लेता हूं, तो भाई ये हाइड्रोजन की गैस है, अब करंट पास की है तो गैस का एटम बना, और करंट पास की है ये एटम का आयन बना, प्लस बन गया ना, आयन बन के इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, हाइड्रोजन से निकला, और ये चला इस तरफ, ये चला इस तरफ, समझे आप, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई, दूसरा दूसरा दूसरा, ये क्या है बेटा आपकी एनोड की प्लेट, ये क्या है आपकी कैथोड की प्लेट, अभी आपने क्या लिया, नाइट्रोजन की गैस ली है, क्या ली बेटा, नाइट्रोजन का गैस लिया है, अब हाई वोल्टेज जब करंट पास करो तो बॉन्ड टूट के एटम बन गया, करंट कंटिन्यू पास हो रहा है, इसको प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर, इसको प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लो भाई, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये एनोड की प्लेट, ये कैथोड की प्लेट, आपने ऑक्सीजन की गैस ली है, हाई वोल्टेज और करंट पास कर लो, एटम बन गए, फिर एटम का आयन बन गया, आयन बन के इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ई नेगेटिव, फिर ये चले यहाँ, ये चले यहाँ, बेटा आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा इनका मास अलग है, नहीं ना, सेम है भाई, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकलो या नाइट्रोजन से निकलो या ऑक्सीजन से निकलो, क्या उसके मास में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, सर मैं तो ऑक्सीजन से आया मेरी मास बड़ी है, नहीं सर मैं तो हाइड्रोजन से आया मेरी मास छोटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है भाई, मेरा हाथ कटा तो भी रेड कलर का ब्लड निकलेगा, किसी और का हाथ कटा तो भी रेड कलर का ब्लड निकलेगा, ये ऐसा तो नहीं बोलेगा नहीं, मैं इसके यहाँ से सुधीर सर के हाथ से ब्लड निकला हूँ तो मेरा कलर रेड ज्यादा होना चाहिए, इसके हाथ से निकला इसका रेड कलर है ना थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा है ना सर, सबका खून लाल है बेटा, ये हाइड्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, नाइट्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, ऑक्सीजन है उसका भी इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, तो उन्होंने क्या बोला बेटा, देखो नेचर ऑफ कैथोड रेस, मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज, क्या बेटा गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्या बेटा गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, ना सर, नेचर ऑफ कैथोड रेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस, आप कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन लो, नाइट्रोजन गैस लो, ऑक्सीजन गैस लो, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तो ई नेगेटिव रहने वाला है, वो डिपेंड नहीं करेगा भाई मैं तो हाइड्रोजन गैस से आया, तू तो ऑक्सीजन से आया, तू नाइट्रोजन से, ना ना ना, इट डज नॉट डिपेंड, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। बेटा कुछ ये कैथोड प्लेट ना, कॉपर की प्लेट है, जिंक की है, आयरन की, किसकी भी प्लेट ले लो, वो प्लेट से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलता है,
और जहां से भी निकलेगा हमेशा ई नेगेटिव होता है। इसीलिए ये अगर पॉइंट समझ में आ गया तो आप बच्चे लोग एक पॉइंट फिर जोड़ सकते हो, और वो है बेटा ये वाली पॉइंट, मतलब किसी का भी खून हो तो वो तो लाल होगा, किसी का भी खून हो वो तो लाल होगा, इसका मतलब किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो वो ई नेगेटिव होगा, इसका मतलब पॉइंट नंबर सिक्स बेटा, हेंस हेंस इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर्ड एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ऑल एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मतलब सारे इंसानों में खून होता है, सारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ऑल एटम बोल तो ठीक रहेगा ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंसिडर्ड एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स। बेटा समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो इसको भी जोड़ लो, चार्ज टू मास रेशियो, बेटा चार्ज टू मास रेशियो इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो कॉल्ड एज ए वर्ड बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। बेटा चार्ज टू मास रेशियो इज नोन एज ए स्पेसिफिक चार्ज, और अपने जॉनसन, अपने थॉमसन अंकल जो थे ना, जे जे थॉमसन अंकल, इन्होंने ई बाय एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की निकाल दी थी, कैसे आप जानते हो, इट इज ए चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब ई होता है बेटा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब एम होता है, तो मैं ऐसे लिख दू, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम में ले लो, लिखे ना कल आपने 1.6022 × 10⁻¹⁹ जाउल और द कूलम, और मास ले लो बेटा केजी में ले लो, दैट वैल्यू 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻³¹ kg, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ गई है वो है 1.7588, टेन की पावर 11 कूलम पर केजी, ये आ गया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो। बड़ा एक क्वेश्चन है ना आईआईटी मेंस में पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि आपको ई बाय एम वैल्यू अल्फा पार्टिकल की निकालनी है, मैं लिखा दो देखो बेटा, कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या है, कल बताया था हीलियम 2+ आयन कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, अगर नहीं बताया अभी बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बड़ा अब होगा फाइंड द ई बाय एम वैल्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, फाइंड फाइंड ई बाय एम वैल्यू ऑफ, ई बाय एम वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, बट अल्फा पार्टिकल है क्या, हीलियम आयन होते हैं,
ये अल्फा पार्टिकल है, और आपको ये जो ई बाय एम वैल्यू अल्फा पार्टिकल के निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, बेटा विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। अब क्या करेंगे आप बेटा, ई बाय एम वैल्यू ऑफ एच ई प्लस आयन इज इक्वल टू क्या करना है, एक बात बता दो, अभी भी जो आपने निकाला था हाइड्रोजन एटम में आपको एच ई प्लस में, एच ई प्लस टू में, और हाइड्रोजन को अगर आपको कंपेयर करानी है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, और अपने एच ई प्लस जो होते हैं हीलियम आयन की एटॉमिक मास होती है 4। कितने होती है 4, मतलब अगर हाइड्रोजन एटम और आपका हीलियम आयन को कंपेयर करते हो तो यू कैन कंपेयर विद द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 मतलब ई बाय एम वैल्यू अगर निकालने जाओ अपनी एच ई प्लस टू आयन की तो वो आती है बेटा वैल्यू, ऐसे निकालते हैं बेटा ई बाय एम वैल्यू ऑफ एच ई टू प्लस आयन मतलब अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना तो 2/4, 1/2, 0.5, ये रेस्पेक्ट की वैल्यूज है। अकेले हाइड्रोजन की कितनी है अभी भी आपने देखा है बेटा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर अकेले अल्फा पार्टिकल की निकालो तो चार्ज उसके ऊपर में कितनी है देखो, 2 है राइट, तो चार्ज हो गया। चार्ज कितनी बेटा हीलियम की, देखो 2 चार्ज है तो चार्ज हो गया, और हीलियम की मास नंबर कितनी है, 4 है, दैट इज ए 4। मैं रिलेटिव मास कर रहा हूं बेटा, हाइड्रोजन का आपको रिलेटिव मास मालूम है, अगर आप 1 लेते हो तो हीलियम कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2/4, 1/2, 0.5 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की ई बाय एम वैल्यू 1 लेते हो तो अल्फा पार्टिकल की वैल्यू बेटा 0.5 हो जाएंगी, उसकी आधी हो जाएंगी राइट। फिर भी और डिटेल पढ़ेंगे बेटा, आप ये तो लिख लो, आई वॉन्ट टू यू सम मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ई बाय एम वैल्यूज का। बेटा ये एक छोटा सा नोट है, ये आप सबको काम में आएगा, ऑर्डर ऑफ ई बाय एम वैल्यूज इज बेटा ना पी बोलना, NAPE, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ना पी, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन, ए स्टैंड फॉर अल्फा पार्टिकल, P stands for proton, और E stands for electron. इसका मतलब देखो बेटा, आपका ये जो E है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, P जो है बेटा, ये प्रोटॉन है, ये A जो है आपका अल्फा पार्टिकल, N जो है आपका दैट इज अ न्यूट्रॉन है, तो याद रहेगा दिस N stands for न्यूट्रॉन, बेटा A stands for अल्फा पार्टिकल, बेटा ये P stands for प्रोटॉन, और ये E stands for इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्डर आपकी किसकी है बेटा, ई बाय एम की है। आप बोलोगे सर ई बाय एम में इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा क्यों है, आपको एक बात बताऊं मैं, देखो बेटा स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल बाय मास ऑफ द पार्टिकल। बेटा जिसकी मास जितनी कम हो उसकी स्पेसिफिक चार्ज उतनी ज्यादा होती है। कल मैंने मास लिखा के दिया था इलेक्ट्रॉन की 10^-31 kg, 10^-27, 10^-27, और अल्फा की भी आसपास 10^-27 पे ही रहती है। तो बेटा 10^-31 बड़ा या -27 बड़ा, 27 बड़ा, 31 कम, जिसकी मास कम उसकी स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, हेंस ये ऑर्डर आप याद रख लेना, एग्जाम में हर एग्जाम में यही पूछता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट यू शुड से बेटा, इलेक्ट्रॉन विल हैव ए ग्रेटर स्पेसिफिक चार्ज देन द रिमेनिंग पार्टिकल बिकॉज ऑफ हैविंग ए वेरी लेस मास फॉर द इलेक्ट्रॉन।
देखो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा के दिया था 9.1 × 10⁻³¹ सबसे कम मास तो सबसे ज्यादा उसका क्या हो गया बेटा स्पेसिफिक चार्ज राइट। ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट और ले लो। वेरी गुड। चलो बेटा आपको डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन में क्या क्या समझ में आया सच सच बताना। आपको आया? मैंने बताने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर गैस थी, गैस इज एट लो प्रेशर, हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करने के बाद राइट। क्रूक अंकल ने यह देखा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रेट से होके एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि ये नेगेटिवली चार्जेस कैथोड प्लेट से आ रही है, तो इनिशियली उन्होंने उसका कैथोड रेस नाम रख दिया। लेकिन जैसे उसका बिहेवियर प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद मालूम चला कि बेटा वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड प्लेट से नहीं आती है, वो करंट पास करने से आपका जो मॉलिक्यूल होता है गैस वो एटम में कन्वर्ट होता है, और जो एटम बन गया उसका आयन बनता है, आयन कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन निकल के, तो उसका वो ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से वो जा रहा है कैथोड प्लेट की तरफ, और वो आपने फिर बोल दिया नेगेटिवली चार्ज रेस कैथोड रेस आर द स्ट्रीम ऑफ द दिस इलेक्ट्रॉन्स, वो बाद में बताया गया। फिर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो ये वाली रेस एनोड की तरफ मूव होगी तो बोलेंगे एनोड की तरफ जा रहा, हमें मालूम है एनोड पॉजिटिव है तो ये रेस नेगेटिवली हो गया। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये रेस साउथ पोल की तरफ गया, हमको मालूम है नेगेटिवली रेस साउथ पोल की तरफ ही जाते हैं, तो हमने बता दिया कि ये जो है ये एक किसी भी एटम का एक पार्टिकल है जो सारे एटम में प्रेजेंट होता है, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कंसीडर्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ऑल एटम। ये हम कहां तक पहुंचे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच गए। अब आओ बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आ जाइए। ये याद रखना बेटा नापी वाला केस जो बताया ना मैंने NAPE नापी, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, बहुत काम का है, हर एग्जाम में यही पूछता है वो, तो आपको थोड़ा रेडी होना पड़ेगा इसके लिए, अच्छे से सोचना पड़ेगा एंड बी रेडी फॉर दैट वन राइट। अब आ जाओ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आ जाइए बेटा। सब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसी की, कब की, सब कुछ खेल वही है, पर हम इतना बताएंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वॉज डन बाय और प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय Proton was discovered by हाँ बेटा प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया जैसे अपने जे.जे. थॉमसन अंकल ने करे थे, सब कुछ वही है बेटा, लेकिन इतना किए इन्होंने जो कैथोड प्लेट था ना उसके पीछे होल लगा दिया। देखो बेटा ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, मतलब मेड अप ऑफ ए ग्लास ट्यूब, यहाँ इनलेट थी गैस के लिए, यहाँ पे नॉब था, वही है बेटा, ये आपकी प्लेट एनोड की थी, और ये आपकी कैथोड की प्लेट है बेटा। ये कैथोड की जो प्लेट है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे होल कर दिए, क्यों बताता हूं मैं, और होल करके यहां पर ऐसा एक स्क्रीन लगा दी है। कौन सी स्क्रीन बेटा, ZNS की स्क्रीन लगा दी है, फ्लोरोसेंस स्क्रीन, मतलब कोई चीज आके जब टकराएंगी तो वो चमकेगा, चमकेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि यहां से यहां पार्टिकल्स आ रहे हैं। सर ये क्या है, ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट
स्क्रीन है, और देखो यहाँ पे कैथोड प्लेट को होल कर दिया ना, मतलब ये आपके परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, होल से चले जाएगा। बेटा ये क्या है, ये तो सर ये परफोरेटेड कैथोड प्लेट। बेटा परफोरेटेड का मतलब है वो ऐसी प्लेट जिसपे होल रखी हो, डॉट डॉट डॉट, वो परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, बस कुछ भी नहीं है बेटा। दीज रेज आर आल्सो टर्म एज ए पॉजिटिव रेज और कैंडल रेज। अब क्या होता है, जब आप यहां से हाई वोल्टेज और करंट पास करवाते हो, कैसा हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करवाते हो, तो यहां से कुछ रेज इस तरह से मूव हो रही है बेटा, और ये रेज यहां से ये वाले परफोरेशन से पास होती है। तो बेटा ये रेज अगर परफोरेशन से पास होती है ना, तो ऐसे रेज को आप क्या बोल सकते हो, दीज आर कॉल्ड एज ए कैनल रेज। बेटा किसी छोटे होल में से कोई रेज इस तरह पास हो गई, उसको आप क्या बोलना, कैनल से पास होगी, तो कैनल रेज। बेटा ये आ कहां से रही है, एनोड प्लेट से, तो इन्होंने बोल दिया दीज आर द पॉजिटिव रेज है, दीज आर द पॉजिटिव रेज है बेटा, दे आर द सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन बोलना। और इसका ये जो नाम है ना, इसका जो प्रोटॉन करके आप बोल रहे हो ना, प्रोटॉन, तो यहां पर लिख देना बेटा प्रोटॉन नेम नेम वॉस, प्रोटॉन नेम वॉस वॉस सजेस्टेड बाय, अभी वो तो किसने दिया था, स्टोनी अंकल ने दिया था, ये प्रोटॉन नाम किसने सजेस्ट किया, इट वॉज सजेस्टेड बाय रुदरफोर्ड अंकल ने सजेस्ट किया था। तो प्रोटॉन नेम वॉज सजेस्टेड बाय रुदरफोर्ड, बट डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन अंकल ने डिस्कवरी की, और नाम रुदरफोर्ड ने दे दिया, राइट। अब ये रेस, अब देखो इसमें खास बात है बेटा, अगर आप हाइड्रोजन लोगे तो आपको एच के प्लस आयन आएंगे, बेटा आप नाइट्रोजन गैस लोगे तो आपको एन के प्लस आयन आएंगे, बेटा आप ऑक्सीजन गैस लोगे तो आपको ओ के प्लस आयन आएंगे। मतलब आपका ये जो कैनल रेज है, एनोड रेज है, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है, क्या बेटा ये गैस पे डिपेंड करता है, हाँ सर। हाइड्रोजन गैस लोगे तो एच प्लस, ऑक्सीजन गैस लोगे तो ओ प्लस, एच प्लस ओ प्लस सेम है कि अलग है, अलग अलग है। इसीलिए हम बोलते बेटा ये जो रेज है ना, जो एनोड प्लेट से आ रही है, जिसको आप कैनल रेज, पॉजिटिव रेज, या तो इसका और एक नाम है बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए एनोड रेज, दीज आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो गैस लेते हैं ना, इस पे डिपेंड करती है। तो चलो बेटा इसको अब हम प्रॉपर्टीज में समझेंगे, व्हाट इज दैट सर, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, फटाफट बना लो सर इसकी एनोड की रेस की प्रॉपर्टीज, पहले इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, वेरी गुड। बोलो एनोड रेस आर ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, यस एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सही बात है बेटा, स्ट्रेट लाइन मूव हो रही है, और ये कैसे मालूम, दीज आर द मटेरियल पार्टिकल एंड एंड दीज आर द मटेरियल पार्टिकल, तो बोला एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर द मटेरियल पार्टिकल, एनोड रेस पॉजिटिव की नेगेटिव है सर, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हेंस दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो जाएगा आपने कहां पे बेटा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, दे विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लिख देना बेटा, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, है ना बेटा, एनोड पॉजिटिव है ना, दे आर द पॉजिटिवली चार्ज, हेंस डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बाहर से कुछ मैग्नेटिक सॉरी अगर आप बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, कहाँ जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, राइट। अब E by M values of these rays is smaller than that of E by M values of electron. अभी भी हमने देखे ना बेटा, NAPE, electron की E by M value सबसे ज्यादा है, proton की E by M value
कम है इलेक्ट्रॉन के कम देर में। यहां तक लिख लो बेटा, प्लीज नोट डाउन अप टू हियर। पॉइंट नंबर थ्री लिखना सर, क्या बेटा? एनोड रेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। आई होप आप बच्चों को सबको समझ में आ गया बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो गैस आपने ली है उस गैस के हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएंगे। मतलब एनोड रेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब बट इंडिपेंडेंट ऑन द प्लेट यूज इन द इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रोड का कुछ भी काम नहीं है इसमें, इतना ही है कि करंट यहां से यहां पास करवाना है, बस यही काम करेगा। मतलब अब बोलो कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑन द प्लेट यूज इन द कैथोड, एनोड रेज ऑल्सो इंडिपेंडेंट यूज इन द प्लेट यूज इन द एनोड। Cathode rays are independent on the nature of the gas taken in the tube, but anode rays are dependent on the nature of the gas taken in the discharge tube. Bhai, aa gaya? Chalo, bana lo isko. वेरी गुड बेटा, एक दो मिनट, बस दो मिनट। क्यों मालूम सर? आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, तो उनका दोस्त, उनका रिश्तेदार, उनका भाई न्यूट्रॉन को क्यों छोड़ेंगे? आप चाहेंगे उसको छोड़ दें? ना ना, मैं भी नहीं चाहूंगा। लिख दो सर, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? चैडविक अंकल ने किया, राइट? डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। डिस्कवर्ड बाय चैडविक अंकल ने किया। कैसे किया बेटा? एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल किसी बेरिलियम एटम के ऊपर में बमबार्ड कर देंगे। मैं बता रहा हूं, ये बेरिलियम है और ये आपका अल्फा पार्टिकल है। मैंने बताया था बेटा, हीलियम आयंस, अगर आयंस होते हैं तो अल्फा पार्टिकल ले लो, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, और इसको आप अल्फा पार्टिकल ले लो। ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बेरिलियम एटम के ऊपर में बॉम्बार्ड कर रहा है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, राइट? तो बेरिलियम पे बॉम्बार्ड करा दे। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितनी थी बेटा? 4, और मास नंबर याद कर लो बेरिलियम की बेटा, इट इज 9। तो अगर ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे बमबार्ड कराते हो तो सीधा सीधा आपको एक नया पार्टिकल दे देगा 0.1, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रॉन, और एक नया एटम भी दे देगा। कौन सा बेटा? कार्बन 6-12। मतलब आपको देखो, कार्बन भी आ गया, आपको न्यूट्रॉन भी आ गया। हाउ? बाय बमबार्डिंग अल्फा पार्टिकल ओवर द बेरिलियम प्लेट, राइट? ये जो न्यूट्रॉन है इसमें कोई चार्ज नहीं है, राइट? दे हैव नो चार्ज बट पॉसेसेस सम मास, बट इसकी मास इक्वल टू प्रोटॉन होती है। ये जो न्यूट्रॉन है ना, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज समवॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और ये जो न्यूट्रॉन है इट हैज नो चार्ज ऑन इट, हेंस वो कैसा समझा जाता है? दैट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। हो गया बेटा, तीनों की तीनों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, और मैंने आपको टेबल बना के दिया, वो टेबल को अच्छे से याद कर लो, आगे के न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे, राइट? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।